तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले उस प्रोडक्ट के ऊपर आइए जहां से रिप अप न्यूट्रिशन की शुरुआत हुई और वो स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से आज हम यहां पर खड़े हुए हैं। बहुत सारी मेहनत लगती है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में और उसको एक ऊंचाई तक पहुंचाने में, वो कहीं ना कहीं की गई है। जो आप देख सकते हैं ये है वो प्रोडक्ट जिसकी वजह से आज हम खड़े हुए हैं। भैया इसके बारे में डिटेल में बताएंगे और धीरे धीरे आपको एक एक सेगमेंट्स में एक डिटेल में ले जाएंगे कि अब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। जी सर, तो आप पूछ रहे थे कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हमारी हर एक चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो हमारी शुरुआत हुई थी प्रोटीन कॉफ़ी से। तो प्रोटीन कॉफ़ी सबसे पहले हमने सिर्फ एक फ्लेवर निकाला था। एक फ्लेवर के बाद हमने फ्लेवर्स की रेंज निकाली, जैसे कैरेमल फ्लेवर है हमारे पास, रेगुलर है, हेजलनट है, मैन मोका फ्लेवर भी है हमारे पास अभी तक। तो सबसे पहले हमारा 250 ग्राम था और उसके बाद हमारे प्रोटीन कॉफ़ी में ही 500 ग्राम भी आपका अवेलेबल है अभी। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारी यहीं से हुई थी। तो अभी करंटली प्रोटीन कॉफ़ी में हम 10 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं पर सर्विंग में। ठीक है, तो इसके बाद फ्लेवर्स भी आए हैं, साइज भी है, पैकिंग साइज भी इंक्रीज हुआ है। तो इससे पता लग रहा है कि हमारे प्रोडक्ट में काफ़ी पॉपुलैरिटी हुई थी उस समय प्रोटीन कॉफ़ी को लेकर। तो इसके बाद जैसे मार्केट से हमें रिस्पॉन्स आया था, रिस्पॉन्स के बाद हमने काफ़ी ज़्यादा रेंजेस शुरू की हैं प्रोडक्ट्स की और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अभी हम करंटली डील कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन ओट्स आ जाते हैं। नॉर्मली ओट्स अवेलेबल होते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हेल्थ कॉन्शियस है जिम जा रहा है तो उसके लिए प्रोटीन ओट्स जरूरी होता है। अभी जैसे प्रोटीन कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी में साथ अगर ओट्स भी हो जाए तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। तो इसमें भी हमारा बनाना पोनेंजा फ्लेवर है, इसके बाद एक हमारा और फ्लेवर है सॉरी डबल चॉकलेट के नाम से, और चोको चिप्स में हमारी कुकीज़ आ रही है अभी करंटली चोको चिप्स फ्लेवर में एंड ओट्स एंड रेजिन फ्लेवर में। ये कुकीज़ हैं, ये भी प्रोटीन कुकीज़ हैं। अभी नॉर्मली आप बिस्किट लेते हो, ठीक है, तो लेकिन हेल्थ कॉन्शियस बंदा हमेशा यही देता है कि हमें प्रोटीन लेना है डाइट में। तो अगर आप डेली रूटीन देखो तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपने कुछ भी खाना हो तो वो हेल्थ कॉन्शियस के रिलेटेड, सप्लीमेंट्स के रिलेटेड, प्रोटीन के अकॉर्डिंग हमारे पास हर एक रेंज अवेलेबल है। स्टार्टिंग आप प्रोटीन कॉफ़ी से कर सकते हो डे की, साथ में आप ओट्स ले सकते हो, ओट्स के बाद आप कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हो साथ में, और उसके बाद ब्रंच टाइम में अगर कॉफ़ी और कुकी को मिक्स करके भी आप अपना एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अभी करंटली एक पैनकेक भी अवेलेबल है। पैनकेक हमने इन सब प्रोडक्ट्स की जब पॉपुलैरिटी हुई तो उसके बाद सोचा कि स्नैकिंग में एक और प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन कॉफ़ी और ओट्स चलते हैं, लेकिन एक पैनकेक भी है जो हमें इसमें रखना था जिसमें प्रोटीन की वैल्यू भी हो। जैसे अभी करंटली 10 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं हम, इसमें 10 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं और इसमें फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं, ओरिजिनल फ्लेवर है हमारे पास एक, इसके अलावा हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर भी है। ठीक है, तो पैनकेक में भी हमारी दो पैकिंग्स है, 500 ग्राम और 250 ग्राम। तो मतलब अगर आप देखोगे स्नैकिंग के लिए आप मॉर्निंग से स्टार्ट करते हो तो आफ्टरनून तक हर एक चीज़ अवेलेबल है, जो कि एक हेल्थ वाइज जो पर्सन पूरा कंसंट्रेट है, जिम जा रहा है, प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करना चाह रहा है, तो इन प्रोडक्ट्स को डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकता है। जैसे प्रोटीन कॉफ़ी, फिर ओट्स के बाद आप कुकीज़ यूज़ कर सकते हो। कुकीज़ तो आप दिन में कभी भी खा सकते हो, ओट्स भी खा सकते हो कभी भी, कॉफ़ी तो हम नॉर्मली अपनी रेगुलर कॉफ़ी से भी एक्सचेंज कर सकते हैं, और पैनकेक है, पैनकेक में भी आप मॉर्निंग में बना सकते हो, जब भी दिल करे बना सकते हो, लेकिन पूरी डेली रूटीन की हमारे पास पूरी लिस्ट है आपकी डाइट की। तो सर प्राइस के बारे में थोड़ा सा डिटेल करना चाहेंगे, एक रेंज नॉर्मली सर्विंग के साथ के, अगर आपका 250 है तो क्या है या 500 क्या है, या फिर आप एक रेंज बताना चाहेंगे इतने से इतने में आपका जाता है। जैसे सर अभी कह रहे थे कि प्राइसिंग रेंज के क्या है, तो प्राइसिंग रेंज चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है पैकिंग साइज के ऊपर और डिपेंड करता है मार्केट में इस समय रॉ मटेरियल्स की क्या प्राइसिंग है और कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम कॉस्ट कटिंग नहीं करते हैं, डुप्लीकेसी नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्वालिटी पे ही विश्वास करते हैं और पूरा ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइसिंग जो है वो 700 टू लेके 2000 के बीच में आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर। अगर नॉर्मली किसी ने प्रोटीन कॉफ़ी ख़त्म होगी लेकिन हमारे पास नॉर्मल चाय है, ठीक है, उसके साथ हम ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली जो जिम जाते हैं वो ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं, तो उसके साथ पीनट बटर भी हाई क्वालिटी का ही होना चाहिए। तो हमारे पास पीनट बटर की भी रेंज है, जैसे ये हाई प्रोटीन पीनट बटर है हमारे पास, इसमें फ्लेवर्स हैं हमारे क्रंची, क्रीमी, चॉकलेट, ठीक है, और इसमें फ्लेवर्स भी हैं और 10 ग्राम पर सर्विंग के हिसाब से आपको इसमें प्रोटीन मिलेगा। ओके, और ये 850 ग्राम का है, इसकी रेंज जो है वो आपको मिल जाएगी तकरीबन, अगर आप हमारी वेबसाइट से परचेज करते हो तो ये आपको 600 से लेके 800 के बीच में मिल सकता है।
तो सर जो इनके प्राइस है वो आपके स्टोर में और ऑनलाइन सेम है या फिर थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है? हमारे स्टोर में और ऑनलाइन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, यहाँ पर आपको कम प्राइस मिलेगा। हाँ जी, जो हमारे स्टोर पे है वो कम प्राइस मिलेगा। जैसे अभी हाई प्रोटीन में मैंने बताया आपको, क्रीमी क्रंची चॉकलेट एंड कैरेमल फ्लेवर भी है, ठीक है। तो अगर आप स्टोर पे विजिट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मली जो वेबसाइट पे परचेज हो रही है उसमें डिलीवरी भी करनी पड़ती है हमको, लेकिन अगर आप खुद आ रहे हो तो आपके डिलीवरी चार्जेस भी बच रहे हैं, ठीक है, और हमारी भी पैकिंग की भी कॉस्टिंग बच रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसा कि भैया ने बताया कि अगर आप बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ या फिर पंजाब में कहीं भी, हिमाचल में कहीं भी, हरियाणा में कहीं भी, अगर आप आसपास यहाँ रहते हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पर है, अगर आप रिपडप की न्यूट्रिशन अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर सस्ता चाहिए तो आप यहाँ पर स्टोर पर आके भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी मिलेगा। जो प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हें यहाँ पर देख भी सकते हैं और जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। प्राइस की बात करें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़े से डिलीवरी चार्जेस या फिर और भी जो चार्जेस होते हैं वो देने होते हैं, स्टोर में ऐसा नहीं है। आप खुद आइए और अपना प्रोडक्ट और मन पसंदीदा प्रोडक्ट यहाँ से लेके जाइए। एंड अगर आपको इशू भी हो रहा है कि जैसे हाई प्रोटीन की थोड़ी रेंज हाई है, तो इसके अलावा हमारे पास एक नेचुरल पीनट बटर भी है। नेचुरल में कोई स्वीटनर नहीं ऐड किए, प्योर नेचुरल पीनट बटर है। इसमें भी हमारे पास क्रीमी क्रंची फ्लेवर अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स हैं। वो डिपेंड करता है कि जैसे आप कोई भी फ्लेवर है, हर एक पर्सन की अलग अलग चॉइस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लेवर्स ले सकता है। और ये भी 850 ग्राम में आता है, इसकी रेंज कम होती है, ये प्लस माइनस ही होगा 200 रुपीज के करीब, ओके। एंड इसके बाद हमारा एक हनी पीनट बटर भी आता है, हनी फ्लेवर होता है उसमें, ओके। तो मींस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीनट बटर अवेलेबल है करंटली 850 ग्राम की पैकिंग में, और अगर आपको बड़ी पैकिंग में इशू आ रहा है तो हमारे पास छोटी पैकिंग भी अवेलेबल है 340 ग्राम की। तो ये भी आप परचेज कर सकते हो स्टोर से या ऑनलाइन हमारी वेबसाइट www.riptupnutrition.com से। तो फ्रेंड्स जैसा कि भैया ने बताया कि अगर आपको मार्केट में कहीं ना कहीं स्टैंड करना है या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं उनके साथ अगर आपको डिफेंड करना है तो आपके पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, या फिर प्रोडक्ट के साथ हाई क्वालिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ रेंज होनी चाहिए और विद फ्लेवर होना चाहिए, तभी आप मार्केट में कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकते हैं। और यही भैया हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अच्छे फ्लेवर्स में और एक अच्छी रेंज में और बहुत ही जेन्युइन पैकिंग, आप देख सकते हैं कि देखने में कितना प्यारा लग रहा है तो खाने में भी कितना अच्छा लग रहा है।